एक तरफ जहां योग गुरु रामदेव, श्री श्री रविशंकर जैसे योग आध्यात्मिक गुरु प्रतिष्ठा और पैसे को काफी महत्व देते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अलग उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। विजयपुर कर्नाटक के आध्यात्मिक गुरु सिद्धेश्वर स्वामी ने पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी दी है। आध्यात्मिक गुरु सिद्धेश्वर स्वामी ने पद्मश्री सम्मान के लिए नामित करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने पत्र में लिखा, पद्मश्री सम्मान देने के लिए मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं ये अवार्ड लेने का इच्छुक नहीं हूं। उन्होंने पत्र में आगे लिखा, सन्यासी होने के नाते मेरी अवार्ड में कोई रुचि नहीं है। मुझे आशा है कि आप मेरे इस फैसले की सराहना करेंगे। कर्नाटक विश्वविद्यालय ने कुछ साल पहले मुझे मानद उपाधि प्रदान की थी, मैंने उसे भी सम्मान के साथ लौटा दिया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। सामाजिक कार्य, शिक्षा, साहित्य, कला, स्वास्थ्य, संगीत और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने के लिए 85 लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।